अरे नेहा लेकिन आई थिंक प्लीज 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 मान जाओ यार प्लीज 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 अरे बाबा इतना प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है मैं तो ये कह रही थी कि अगर सैमी को पढ़ाना ही है तो आज से शुरू कर देते मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही राधा मुझे कोई कुछ करने नहीं दे रहा है तो तुम उसे भेज दो के हाय यू आर द बेस्ट यू नो अगर तुम नहीं होती ना तो बेचारा फेल हो जाता एक्चुअली दोनों लड़कों को ना पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बट आई डोंट ब्लेम देम हिस्ट्री में ना मैं खुद जीरो होती थी यार अकबर हुमायूं का क्या लगता है क्या फर्क पड़ता है आई थिंक सैमी मुझ पर ही गया है बैठ बैठ मैं देखती हूँ अकबर का बाप था बट यू डोंट वरी मेरी हिस्ट्री अच्छी थी मैं उसे पढ़ा दूंगी बस आप सैमी को यहाँ भेज दीजिए ओके हाय सैमी नमस्ते बेटा नेहा कम से कम तो तुम तब से ये बातें मेरे साथ फिजूल में कर रही थी प्लान ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका था एक्चुअली आई न्यू तुम मान जाओगी लेकिन फिर भी मतलब यू नो पूछना तो बनता है ना चलो मैं रखती हूँ सैमी आ चुका है बाय थैंक्स अगेन बाय हाउ आर यू क्या प्रॉब्लम है ये हिस्ट्री ने पागल करके रखा कोई बात नहीं हम हिस्ट्री को पागल कर देते शो मी योर बुक क्या चल रहा है आजकल तुम्हारे कोर्स में ओके इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स एंड ऑल हाँ ये तो सबसे सिंपल है सैमी आई मीन इन लोगों के पास दो ही तो पॉलिसीज थी पहली पॉलिसी कैरेट एंड स्टिक मतलब पहले सामने वाले दुश्मन को कैरेट दिखाओ और फिर उसे डंडा मार एग्जैक्टली और दूसरी पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल यानी पहले बांट दो लड़वा दो बाद में राज करो सिंपल है ना प्रिया हाँ माँ बेटा इधर तो एक मिनट माँ मैं सैमी को पढ़ा रही हूँ ना सैमी अच्छा, काम करो मैं ही आती हूँ तुम पहले ना इन दोनों पॉलिसीज के नोट्स बनाओ उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ क्या है माँ बाद में भी तो बात कर सकते हैं तू अभी सैमी को क्या पढ़ा रही थी हिस्ट्री क्यों हिस्ट्री में क्या पढ़ा रही थी तुम्हें भी पढ़ना है मैं बुक लूँ उससे मैं तो हमेशा हिस्ट्री में फर्स्ट आया करती थी तो क्यों पूछ रही हो फिर तू उसे डिवाइड एंड रूल पढ़ा रही थी ना हा? हाँ माँ फूट डालो और राज करो हाँ तो तू भी थोड़ा अंग्रेजों की तरह सोचना शुरू करना प्रिया मतलब 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 हमारे दुश्मन कौन है आयशा और सिद्ध तो उनमें फूट डाल और राज कर बस क्या कहा तुमने अभी थोड़ी देर पहले तुम हिस्ट्री में फर्स्ट आते थे मान सकती हूँ ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कभी आया ही नहीं मैंने तो कहा ना मैं हमेशा हिस्ट्री में फर्स्ट आया करती थी और दो साल मिस भुवनेश्वर भी रह चुकी थी मैं इंटेलिजेंट तो थी ही साथ में खूबसूरत भी थी मतलब खूबसूरत हो अब देखना मैं कैसे आयशा को भड़काती आयशा बेटा ये कपूर मेंशन से ना हरी आया था तेरे कुछ बिल देके गया है पैंट शर्ट टाई कॉलोन ये सब तित का सामान है ना तो फिर मामा जी का नाम क्यों लिखा हुआ है इसमें उम्र के हिसाब से मामा जी ने कुछ महंगे शौक नहीं पाल रखे हैं और ये मामा जी के बिल तुझे क्यों देके गया है मामा जी के बिल भी तू ही भरती है क्या और कौन भरेगा माँ वैसे मानना पड़ेगा गलतियां चाहे तूने कितनी क्यों न की हो आयशा लेकिन दिल तेरा बहुत बड़ा है माँ आप मामा जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो मामा जी ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया है चाहे कोई भी सिचुएशन हो हाँ तो है अब आगे साथ दे ना दे पर पहले तो दिया है ना नहीं 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 मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं देंगे लेकिन मैंने है ना प्रिया को मामा जी से फोन पे बात करते हुए सुना तो मुझे कुछ अटपटा लगा क्या बात कर रहे थे वो अब उससे क्या फर्क पड़ता है प्रिया को तो तू जानती ही है ना अगर जिद पकड़ लेना तो बस पीछे पड़ ही जाती है आजकल तेरे और सिद्ध के पीछे पड़ी हुई है ना बेटा मैं तेरे साथ हूँ पर तेरा जो ये दिल है ना बहुत जल्दी फिसल जाता है बस मैं तो ये कह रही थी कि तू केयरफुल रहना
आयशा तू कहाँ जा रही है? आयशा बेटा हेलो प्रिया, हाँ आयशा यहाँ से निकली है तेरे घर के लिए, ठीक है? हाँ माँ, दरवाजा खोल दिया मैंने। अरे समझ कर हैंडल कर लूंगी, अब तुम फोन रखो। माँ बाय। हाँ वकील साहब। अरे हाँ, उसी चौल में रहता था वो। हाँ काफी महीनों से रहता था वकील साहब, अब आसपास के लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, पर आई एम श्योर कि कोई ना कोई तो उससे मिलने आता ही होगा ना। अरे आप पूछताछ कीजिए ना, वहाँ के लोगों से पूछिए, कोई ना कोई तो बता ही देगा कि उससे मिलने कौन। आप वकील साहब, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यस हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलो, सुन रही हूँ। और जो कुछ भी बोलना है ना जल्दी बोलना, तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है मेरे पास। प्रिया जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। एक तरफ तो आप मेरी सिट से शादी करवा रहे हो और दूसरी तरफ सिट को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो। बस यही पूछना था। अरे तो इसके लिए फोन कर लिया होता, मैं बता देती, यहाँ आकर शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं थी। एनीवे आई गई हो तो बता देती, ये सब कुछ मैं अपने माँ बाप के लिए कर रही हूँ। क्या है ना कि उनकी छोटी बेटी की शादी, उनकी हेल्प कर, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं। और जहाँ तक सिद्धांत का सवाल है तो वो एक मुजरिम है और मैं उसे सजा दिलवा कर। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट फेयर। आई नो आयशा, जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बट यू नो वॉट, यही तो मैं चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी, फोन। हाँ मामा जी। क्या मामा जी, कब से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। हाँ एक मिनट मामा जी, एक मिनट प्लीज जाओ यहाँ से। एंड लिसन, आइंदा अगर तुम्हें कोई सवाल जवाब करना हो ना तो तुम मुझे फोन कर सकती हो, या बेटर है मैसेज करना, मैं जवाब दे दूँ। ओके इतनी दूर आकर अपनी शक्ल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने। बाय। हाँ मामा जी। अरे नहीं मामा जी, आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। माँ फोन रखो। बाय। अरे इतना नर्वस क्यों है यार? राम सर कितने स्ट्रिक्ट है, भूल गया तू? अरे यार पर तेरा प्रेजेंटेशन तो रेडी है ना? हाँ रेडी तो है, पर बीच में भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे नहीं भूलेगा यार, टेंशन मत ले तू। हाँ भाई। गुड आफ्टरनून सर। बैठो 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 बैठो, सिट डाउन सिट डाउन। प्रेजेंटेशन रेडी? यस सर। ओके लेट्स बिगिन। द ग्रोथ ऑफ द कंपनी इन द लास्ट 5 years In 2008. ये किसका फोन बज रहा है? Can't you guys keep your phones on silent? Sir, actually आप ही का फोन बज रहा है। Oh, sorry. आप प्रिया बोलो? या 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 ओके। सुनो, दूध पी लेना। Don't forget to have your milk. Okay, bye. Continue. Let's first give the growth of the company in the last 5 years in... Sorry. Hey. Yes, no, वो मेरे bedside drawer में वो vitamins पड़े हैं, वो जरूर ले लेना। मैं कहाँ पर हूँ, मतलब काम पे हूँ यार, I just called to remind you. Okay, okay, bye. Sorry. The growth of the company in the last 5 years... एक काम करो, This presentation is over for now. आप लोग सब जाइए। Amit, not you. तुम बैठो। आप लोग जाओ। Thank you, sir. I'm sorry, sir. मुझे एक चांस और दीजिए सर, मैं प्रेजेंटेशन फिर से रेडी कर लेता हूँ सर। बच्चे हैं? सर किड्स, यू हैव किड्स? जी सर, तीन, वन डॉटर और सर अभी अभी ट्विंस पैदा हुए हैं। एक बात बताओ, किस चीज की क्रेविंग हुई थी? जी सर, तुम्हारी वाइफ को प्रेगनेंसी के टाइम में
किस चीज की क्रेविंग हुई थी? हाँ सर, आलू की टिक्की की, वो भी रात को 12 बजे। सर 12 बजे तो कहाँ से लाए थे? कहीं से नहीं सर, घर में आलू उबाला, टिक्की बनाई और खिला दिया। तुमने बनाए? जी सर। अरे मुझे आलू उबालना नहीं आता है। अच्छा अच्छा, हाँ और बताओ, किस चीज को हटाना पड़ा जो तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं आया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सर माय वाइफ हेटेड द स्मेल ऑफ फिश, सो घर भी चेंज करना पड़ा सर। ओके, सो आलू फिश, सबका अलग अलग होता है सर, किसी को खट्टा अच्छा लगता है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है। ओके, दिस इज गुड। अच्छा ये बताओ, पहली किक तुम्हारी बेबी ने कब मारी? आई थिंक 5th month सर। यू थिंक? व्हाट डू मीन यू थिंक? तुम बाप तुम ही हो ना, तो तुम थे नहीं वहां पर? मैं जी सर। व्हाट डू मीन यू थिंक? अरे नोट्स बताने चाहिए थे यार। एनीवे सॉरी, यू प्लीज कंटिन्यू, टेल मी एवरीथिंग। मैं यहाँ वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारे मिलो मिलो वाले कॉल्स। क्या हो गया तुम्हें? कौन सा क्राइसिस आ गया? सिड, मैं भी यहाँ पे कोई पिकनिक नहीं मना रही हूँ, ओके? तुम सोच भी नहीं सकते हो कि उस घर में मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एनीवे, मुझे तो लगता है कि दोनों मिले हुए, दोनों नाटक कर रहे हैं। सिड, तुम्हें पता है मैं अभी अभी प्रिया दी को लॉयर से फोन पे बात करती सुनती आ रही हूँ। वो कह रही थी कि चौल में पूछताछ करें, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करी तुम्हें वापस जेल भिजवाने के लिए। एटलीस्ट राम तुम्हें सपोर्ट तो कर रहा है, तुम्हें जेल से तो निकाला, तुम्हारा केस बंद करवाने की तो कोशिश कर रहा है। If he is supporting you, then just trust him. I know, Ayesha, लेकिन वो एग्रीमेंट पढ़ के थोड़ा हिल गया हूँ यार। सिड, ऐसा था क्या उस क्लॉज में? हाँ, nothing, nothing at all. And बस शादी हो जाए, उसके बाद देख लेंगे आगे क्या करना है। Anyway, forget it. तुम नहीं समझोगी सब। ये बताओ कि क्यों बुलाया मुझे यहाँ? कौन सी क्राइसिस है? अब हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था कि वो मामा जी है ना, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। मतलब उनका 1 महीने का कपड़े और एसेसरीज का बिल 10 lakhs। पागल होगी क्या? ये क्राइसिस है तुम्हारी? ये बात करने के लिए तुमने यहाँ बुलाया? यू रियली लॉस्ट इट, तुम्हें कुछ हो गया सच में? आई हैव लॉस्ट इट सिड। सिड, यू टेल मी वन थिंग, उनके कपड़े, उनकी एसेसरीज, उनकी गर्लफ्रेंड, उनके सारे खर्चे हम क्यों उठाएं? हमने उन्हें गोद लिया है क्या? यू लॉस्ट इट। अरे वो मेरे मामा है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से मुझे पाला है, हर चीज में मुझे सपोर्ट किया, और तुम उन पर शक कर रही हो? आई नो उन्होंने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके सारे खर्चे उठाएंगे। मैं क्यों उठाऊं? आफ्टर ऑल पैसा मेरा है। एंड सिड, तुम्हें पता है मैंने मामा जी को प्रिया दी से बात करते हुए सुना? आई एम जस्ट वार्निंग यू, बिकॉज कब कौन कहां बदल जाए, यू नेवर नो। आयशा तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी हर वक्त की किचकिच, ये खराब वो खराब, कुछ ना कुछ तो ढूंढती रहती हो तुम। मेरा मन कर रहा है कि दीवार पे जाके सर पटको। जस्ट शट अप सिड, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। पता है माँ, अब तो वो अपने आलू के पराठे और आइसक्रीम भी मेरे साथ शेयर करने को तैयार है। और सबसे बड़ी राहत तो मुझे तब मिली जब मैडम ने ये कहा कि उसे मेरे मोटे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताऊँ बेटा, हम लोग भी पीयू को बहुत मिस करते, और पीयू को दोनों ही बच्चों को, इतना बड़ा घर है और हम लोग, बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता प्रिया। आई नो माँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों की तो बात है, आप तो जानते हैं ना मिस्टर कपूर ये सब क्यों कर रहे हैं। बस एक बार हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए, फिर सब लोग साथ में ही तो रहेंगे। बाय द वे, मैं यहाँ पे मामा जी से मिलने आई हूँ, कहाँ है वो? मामा जी, एक मिनट मामा जी, बहुत दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। पूछो जी। आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? अल्लाह जी, मैंने क्या माइंड करना है।
माइंड तो वैसे भी नहीं नहीं आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ मामा जी कि इस उम्र में भी आप इतने यंग कैसे दिखते हैं, मतलब could your skin no wrinkles no nothing. और ये ये तो रब की देन है, ऊपर वाले ने दी है जी हैंडसमनेस. नहीं नहीं नहीं, आप जरूर छुप छुप के कुछ और भी करते हैं. नहीं जी नहीं, मैं क्या बताइए ना मामा जी, कोई तो सीक्रेट होगा, कोई ऐसी दवाई या क्रीम लोशन कुछ देसी कुछ तो होगा जो आप अपनी स्किन पे मलते होंगे, तभी तो इतनी रौनक है आपके चेहरे पे, इतनी चमक है. माय गॉड, किसी की नजर ना लगे, टचवुड. सच्ची सच्ची मुझे बता देंगे ना तो आई प्रॉमिस मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, मैं अपने तक ही रखूंगी, बट आई रियली वांट टू नो. वो जी हमारे भगवाड़े का है जी एक नुस्खा. एक मिनट मैं जरा फोन में नोट कर लूं, भूल ना जाऊं के. हां करो जी करो. बताइए जी वो पपीता होता है ना, पपीता पपाया. हाँ पपाया. ओके पपाया और साथ में हनी शहद और फिर बकरी का दूध और फिर नीम के पत्ते कूट के. बकरी का दूध, नीम के पत्ते, ये सब आप पपाया के साथ खाते? नहीं जी नहीं, खाते तो पपीता है, बाकी तो लगाते हैं जी चेहरे पे. ओके 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 कर दिया आपने. हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये करेक्ट. तो वेरी नाइस मामा जी, दिस इज अमेजिंग. और भी कोई नुस्खा होगा आपके पास? जी नहीं, और कुछ नहीं है जी. मामा जी कम ऑन. नहीं अच्छा मैं समझ गई जी, ऐसे फ्री में शेयर करना आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना. वेट 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 वेट, मैं आपको इसकी फीस देती हूँ. ये पीहू के लिए ली थी. ओके लेकिन आपके साथ शेयर कर सकते हैं. ये तो जी मेरी फेवरेट है जी. तो दूसरे नुस्खे जी, आपकी आंख देख के मुझे याद आया कि जी वो सिट, तुम्हें पता है मैंने मामा जी को प्रिया दी से बात करते हुए सुना. आई एम जस्ट वार्निंग यू, कब कौन कहां बदल जाए यू नेवर नो. मामा जी मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में, वो क्या है ना कि अब इस घर में मेरा दम घुट रहा है. आप यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये मैं बताना जरूरी नहीं समझती, पर मजबूरी है, क्या करूँ मामा जी, मेरी माँ ना समझती नहीं. वो क्या है ना, मेरी माँ यानी कि तुम्हारी सास तुम्हारे लिए शेरवानी बनवाना चाहती है, इसीलिए नाप चाहिए. दूल्हे के लिए शेरवानी और दूल्हे के मामे के लिए कख नहीं. अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी, आपको क्या जरूरत है शेरवानी की, आप तो अपने नाइट सूट में भी आ जाओगे ना तो भी आप पर दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे लगोगे. अच्छा जी और क्या है ना. अरे बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग मामा जी, ये जो राज है ना राज, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. ओ, मैं किसी को क्यों बताने लगा, वो राज तो राज होता है. प्रॉमिस. अच्छा तो फिर मामा जी मुझे इजाजत दीजिए, बाय, थैंक यू जी. मैंने तो आपको इतने सारे नुस्खे बता दिए, अब थोड़ी सी मदद आपको भी मेरी करनी पड़ेगी. अरे तो आप बताइए ना. वो जी वो सदामनी है ना जी, मेरी सदामनी. उसको जी मैंने एक गिफ्ट देना है. अब वो क्या है जी कि लेडीज को क्या पसंद आता है मेरे को मालूम ही नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि आप पसंद कर लो कुछ. स्वीट मामा जी, यू सो क्यूट. एक काम करते आप मुझे सदामनी का जो एड्रेस है ना वो मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी तरफ से कोई अच्छा सा गिफ्ट उसे कुरियर कर दूंगी. ओके वाह जी वाह, ओ ये तो बड़ा फैंटास्टिक आइडिया है जी. ओ थैंक यू जी, थैंक यू. ओ कम ऑन मामा जी, डोंट बी फॉर्मल ना, आपने इतना बड़ा सीक्रेट मेरे साथ शेयर किया तो मैं आपका इतना भी काम नहीं कर सकती. हाँ
आप तो ना बस सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिएगा, बस आपका काम हो जाए। ओके हाँ जी हाँ जी, पूरी डिटेल दे दूंगा। बाय। मुझे मेरा काम याद रखना जी। हाँ बड़े रिश्ते जोड़े जा रहे, जो औरत मुझे जेल भेजना चाहती थी अब उसके साथ ही दोस्ती कर रहे हो। वो काहे की दोस्ती, वो क्या रिश्ता, वो कार में आई थी, हेलो आए हो गई, इसमें दोस्त हो गई मेरी वो। अच्छा तो जो भी घर में आता है उसके कान में आप फुसफुस आके बात करते हो, कुछ तो खास बात होगी ना? हाँ बात तो खास थी, आप सबके सामने नहीं बताई जा सकती। आप बता नहीं सकते, मुझे बताना नहीं चाहते हो। आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा, जो मुझे दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता? आप ना मामा जी मेरे साथ डबल गेम खेल रहे हो, मेरा वक्त खराब चल रहा है इसलिए मेरा साथ छोड़ रहे हो आप। ओ यार तू बात को कहां से कहां ले जा रहा है, और राम और प्रिया पे तो शक समझ में आता है, अब तू अपने मामे पे भी शक करने लगा, अपने मामे पे। तो ये तरीका मेरी से बात करने का? एक, एक, बात को घुमाइए मत, सीधे सीधे बताइए बात क्या है। वो प्रिया मेरे से पूछ रही थी अपने चेहरे पे क्या लगाते हो जो इतना हैंडसम दिखते हो। हैंडसम? हाँ मामा जी, मामा जी सच सच बताइए कि बात क्या है, मुझसे मत छुपाइए। वो कहाँ ना यार तेरे से। हेलो मिस्टर तनवार से बात करवाएंगे प्लीज। आप कौन? जी हम उनके बैंक से बोल रहे हैं सर, ये उनका सेकेंडरी नंबर है ना? हाँ बोलिए। उन्हें इन्फॉर्म करना है कि उनके अकाउंट में 20 लाख का डिपॉजिट आ गया है, उनका नंबर नहीं लग रहा है, ये सेकेंडरी नंबर है इसलिए इस नंबर पे फोन किया है। किसने ट्रांसफर किया? सॉरी सर ये हम आपको नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंशियल है। आप तो ना बस सारे डिटेल्स मुझे भेज दीजिएगा, बस आपका काम हो जाए। ठीक है। ओ कोर क्या रहा है? मामा जी आपकी पोल खुल गई। ओ क्या? आपने प्रिया को आपके बैंक डिटेल्स दिए ना? किस बात के पैसे दे रही है आपको? और ये इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल है। ओ क्या बोल रहा है तू? ओ कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे यार। 20 लाख रुपए डाले आपके अकाउंट में। ओ पहली बात तो उन फुकरों के पास 20 लाख आए कहां से, और दूसरी बात अगर आए तो मेरे को क्यों देंगे? मुझे ये आप जानू और आपकी वो दोस्त प्रिया, मुझसे क्यों पूछ रहे आप? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया आपने मामा जी। सारी जिंदगी मेरी माँ के टुकड़ों पे पले हो आप, और आपने मेरे मेरे पीठ पे छुरा मारा। आयशा ने आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स के बारे में बताया था लेकिन मैंने उसके बात पर विश्वास नहीं किया था। मामा जी आप ऐसे निकलेंगे ना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रिया का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे पे शक कर अपने मामे पे? हेलो प्रिया। हाँ नेहा। पैटी यार कितना टाइम लगाते हो तुम फोन उठाने में, पता ही नहीं कि कहाँ हो तुम। ओके एक मिनट, इतनी घबराई हुई से क्यों हो, क्या हो गया? अरे विक्रम ना वो गिर गया है, उसकी पीठ में चोट आ गई, यू नो ही हैज अ स्लिप डिस्क प्रॉब्लम ना यार, मैंने डॉक्टर को बुलाया बट आई डोंट नो व्हाट टू डू, प्लीज जल्दी आओ ना। ओके रिलैक्स, पहले ये तो बताओ हुआ क्या, कैसे गिरा? अरे इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो, यहां पहुंचो तो सही मैं समझा दूंगी। लिसन ही इज कॉलिंग फॉर मी, आई हैव टू गो, ओके प्लीज जल्दी आओ। ओके काम डाउन, आई एम कमिंग। हाय विक्रम। हाय प्रिया, सॉरी तुम्हें ऐसे फोन कर रहा हूँ लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट नो नेहा को क्या हुआ, मैं गया तो वो एक बेड पे फेंट होके पड़ी हुई थी, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू यार, तुम प्लीज अभी आ सकती हो क्या? व्हाट नेहा, अरे डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? नहीं हाँ मतलब हाँ मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया लेकिन वो भी रस्ते में, अब पता नहीं। अरे लिसन डोंट पैनिक, मैं आ रही हूँ विक्रम, तुम डॉक्टर को अरेंज करो, आई एम जस्ट कमिंग। ओके बाय। गोपाल काका मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, वो नताशा पीहू बेबी को लेकर आएंगी ना तो आप उन्हें खाना खिला दीजिएगा। ओके मैं फोन करके बता देती हूँ। जी मैम सब। ये तुम
मिस्टर कपूर वो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नेहा का फोन आया था, तुम भी तो इसलिए आई हो ना। नेहा कैसे फोन कर सकती है, वो तो बेहोश है। क्या नेहा बेहोश? हाँ, मुझे विक्रम का फोन आया कि पता नहीं नेहा को अचानक क्या हुआ और वो फेंट हो गई, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम को चोट लगी है यार, नेहा ने मुझे फोन किया था, वो बेहोश कैसे हो सकती है? What? मतलब कि फिर से उन दोनों ने हमें बेवकूफ बनाया। मैं विक्रम को ना छोड़ने नहीं वाला। Always he does this. I don't believe these guys. I mean, can you imagine मैं कितनी स्ट्रेस थी, मैं इतने मुश्किल से नेहा का मैसेज है। एक बने Hi guys, check under the dorm है। What? क्या नाटक है यार ये। हाय फैटी एंड प्रिया, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों कॉफी शॉप में। बच्चों और नौकरों को भी कहीं भेज दिया, बेसिकली अगले 2-3 घंटे घर खाली है तुम दोनों के। भाई वी नो तुम्हें आजकल टाइम ही नहीं मिलता है एक साथ, तो एनवेलप में एक चाबी है, चाबी निकालो, अंदर जाओ एंड हैव फन। और बाय द वे, क्या बाय द वे? क्या पढ़ रही? और बाय द वे मियां बीवी को नॉटी होने की पूरी परमिशन है। चाबी क्या करूं? क्या करूं मतलब दरवाजा खोलो। आइए ब्यूटिफुल, सो रोमांटिक। ये सब क्या है, मतलब हम क्या 20 साल के हैं? व्हाट इज ऑल दिस? सो व्हाट मिस्टर कपूर, रोमांस की कोई एज नहीं होती। लुक एट विक्रम एंड नेहा, अभी भी कितने रोमांटिक हैं दोनों। बट इट्स स्टिल सिली यार, एक्चुअली उनकी भी क्या गलती है, हम दोनों को इस वक्त कहाँ टाइम मिल रहा है एक दूसरे के साथ। आई नो। एक बात बताओ, यहाँ पर मैं जोर से चिल्ला सकता हूँ? I'm going to be a father. Sorry. वैसे Priya, I promise you, मैं सब कुछ करूँगा. I will do everything for our child. Don't worry. मैं सब करवाऊंगी आपसे. एक भी चीज आपको मिस नहीं करने दूंगी इस बार. काश कि पीहू के टाइम में भी मैं होता. Come on, Mr. Kapoor. अब आप उस बारे में सोच सोच कर अपना मूड मत खराब कीजिए। मैं तो कहती हूँ पीहू बहुत लकी है कि आप उसके पापा हैं, एंड आई एम श्योर आप इस नए मेहमान को भी उतना ही टाइम देंगे। इनफैक्ट पीहू और उसे दोनों मिलकर हम बहुत सारा टाइम देंगे। एंड द गुड थिंग इज कि अनलाइक लास्ट टाइम, इस बार हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आई एम प्रेग्नेंट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। प्रिया, आई मीन हम वो वी आर प्रेग्नेंट। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.